हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए कुछ अपडेट लेके आया हूँ। तो चलिए, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो एमसीए में एडमिशन होता है वो निमसेट के स्कोर से होता है। मतलब निमसेट में आपका क्या रैंक आया है, उसमें आपका क्या स्कोर है, उसके बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एमसीए कोर्स में। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसा कि पता है कि शुरू के जो निमसेट के 850-900 स्टूडेंट तो एनआईटीज में चले जाते हैं, पर उसके बाद बच्चों का नेक्स्ट जो प्रिफरेंस होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद होता है। पर यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो एमसीए होगा वो 3 ईयर का होगा या 2 ईयर का होगा, क्योंकि अभी तक निमसेट ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो जो एमसीए का कोर्स कराएंगे वो 3 साल वाला कराएंगे या फिर 2 साल वाला कराएंगे। ठीक है, ये अभी फाइनल नहीं किया है। तो इसपे बच्चों में कंफ्यूजन था कि जब निमसेट जो है अभी क्लियर नहीं किया है कि 3 ईयर का होगा या 2 ईयर का, तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी 3 ईयर का ही होगा अभी तक? तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने क्लियरली जो है 2-3 दिन पहले जो है ये मैसेज दे दिया है लोगों को कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो एमसीए होगा वो केवल 2 साल का होगा, जैसे एआईसीटी ने कहा है। मतलब 2020-21 उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 2020-21 बेच में जो भी एडमिशन होंगे, ठीक है, वो एमसीए 2 ईयर के लिए होंगे। मतलब वहां पर जो है एमसीए 3 ईयर बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। अब अगर आप जो है निमसेट के स्कोर कार्ड से भी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेते हैं तो आपको एमसीए 2 ईयर ही मिलेगा, वहां पर अब एमसीए 3 ईयर नहीं है। बाकी हालांकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में निमसेट से ही एडमिशन होता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको बताने वाला था, तो ये अब आप अपने माइंड में ले लें कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेते हैं तो अब आपको एमसीए 2 साल का ही करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।